47 YB को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर कमेंट सब कर दें भाई, बहुत प्यारे हैं। जनाब 14 अगस्त आ चुका है जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। ये सब पाकिस्तानियों के लिए ही बहुत अहम है। हम तैयारी करेंगे अपने इस 14 अगस्त के दिन का, क्योंकि ये दिन हम वेस्ट नहीं कर सकते। सभी वेस्ट नहीं करते, तो मैं भी नहीं करूँगा। पाकिस्तान अपना 75वां आज़ादी का साल मना रहा है, तो यार ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। तो यार ख़ास मैं झंडा नहीं लगाया, तो पाकिस्तानी हूँ मैं, मैं भी इस दिन को एंजॉय करूंगा, तो आप सब भी एंजॉय लाजमी करें यार। तो चलिए चलते हैं, अब तैयार होते हैं, उसके बाद देखेंगे कि अभी क्या सीन होने वाले हैं। तो चल, और हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते ना, मुझे बड़ा दुख होता है। तो यार मुझे तो दुख ना दो 14 अगस्त के दिन, तो यार दबाना है ना सब्सक्राइब के बटन पर, दबा दो, क्या जाएगा आप सबका, मेरा दिल खुश होगा, तो यार दबा दो। तो गाइस यार अब हम तैयार हो चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं बाहर, देखते हैं क्या सीन होने वाले। सीन को जैसे हैं कि हम बाहर आ चुके हैं, अब चलते हैं किसी तरफ, देखते हैं क्या सीन है 14 अगस्त के पार्टी का। डिस्कशन तो हो गया ना, ओके अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे शॉप पे, तो अपने लिए एक बैच लेंगे ताकि लगे हम भी पाकिस्तानी लग रहे हैं भाई। यार गाइस हम अपने लिए ले रहे हैं झंडे, हम भी लगें तो हम भी पाकिस्तानी हैं यार, कैसे बिल्कुल पाकिस्तानी। तो आप सबको भी ना 14 अगस्त मुबारक हो बहुत। तो आप बहुत अपने खुशियां मनाएं, तो जैसे हम भी मना रहे हैं और हर पाकिस्तानी मना रहा है। अब यूनुस बन चुका है पाकिस्तानी, अब बन लगाएंगे हम बन रहे हैं पाकिस्तानी, तो हमें अब झंडा लगेगा। ये है हमारा पाकिस्तानी, ऐसे जश्न मनाई जाती है। अब हमने लिए अपने छोटा झंडा, तो जाएंगे कैद आजम मज़ार की तरफ, जा रहे मज़ार कैद हैं, अच्छी का दिल वहाँ जाने वाले हैं। बंदे फुल परेशान है संगे, तो ये लोग भी आज़ादी मनाने आए, तो हम भी, हर किसी का पाकिस्तान है, हर किसी का पाकिस्तान है, तो मनाओ आज़ादी। तुम तो पीटीआई का लेके आए हो? हाँ ना, पाकिस्तान पीटीआई हम दोनों के साथ है। पहले पीटीआई पाकिस्तान के साथ है, फिर पीटीआई के साथ है। देखो यही होते हैं पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान के लिए फिर पीटीआई के लिए। जिंदाबाद। बहुत मज़ा है। अभी हम आ चुके हैं कैद आज़म मज़ार में, लेकिन यहाँ पे रश बहुत हो रहा है। तो मेरे साथ यूनुस था, यूनुस तो बाइक पार्क करते करते थक गया, और हम इस रश में चलते चलते आके पहुंच गए हम। आएंगे हम कैद आज़म मज़ार की तरफ यार, बड़े दिनों बाद हम यहाँ पे आ रहे हैं, और ख़ास कर 14 अगस्त के दिन। तो मैं इस बार यहाँ पे था, तो मैं आ रहा हूँ। तुम्हें कितनी बार आ रहे हो 14 अगस्त? भाई मैं तो बहुत बार आया हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ पहली बार आया, बहुत ज़्यादा फंस गया मैं। क्यों? मैं बाइक पार कर रहा हूँ और तुम गायब हो, बंदा हेल्प कर यार। बंदा रश का इसना बहुत हो रहा था, और हम बाइक क्या खुद को भी हम पार्क नहीं कर पा रहे। दो घंटे लगे हैं बाइक पार करने में, बहुत ज्यादा यार। सीन कुछ ऐसे है, गिनना शुरू हो जाए तो दो दिन गुजर जाए। कौन सी? कराची की बिगड़ी हुई सारी आवाम यहाँ पर है। शऊर मुल्क ऐसे ही कर सकता है? नहीं 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 भाई, पाकिस्तान का आवाम ना दिल पे, सॉरी दिल इधर है हमारा। देखो पाकिस्तान की आज़ादी के जश्न में ना ये छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, तो यार
यही मौका होता है ख़ुद को एक दूसरे का मान बढ़ाने का। तो यार पाकिस्तान में मतलब एक, मतलब हमें एक हो के रहना चाहिए, ये सबक तो हमें मिलता ही है यहाँ से। लेकिन फिर भी हम जैसे जैसे कैद अज़म मज़ा पास आते जा रहे हैं, दिल उतना ही धड़कता जा रहा है हमारा। कोई अपने ही मज़े में लगा हुआ है तो देखते हैं, घूमते हैं, फिर कैद अज़म को सलाम करके फिर चलते हैं बाहर की तरफ। अब हमने पाकिस्तान आज़ाद कर लिया, दूसरी बार 75 बार मैं कर रहा हूँ। अब आ चुका हूँ, बैठ चुका हूँ, पानी पीऊँगा। थक गए हैं यार बहुत ही ज़्यादा, मुझ से ज़्यादा यूनस थक गया है, पसीना बहुत आ रहा है, गर्मी भी है। तो पानी पी के फिर आप लोग से बात करते हैं कैसे। यार कैद अज़म मज़ार तो हम चले गए, मैंने सोचा क्यों ना सीवी देख लेते हैं। फिर हम आ गए शरह फैसल। तो पाकिस्तान की आज़ादी की खुशी में हर बंदा अपनी खुशी अपने अंदाज से मना रहा है। जाने से पहले हम शरह फैसल पे रुके और देख रहे थे कि यहाँ पे कुछ कलाबाजियाँ हो रही हैं। आगे देखते हैं, हम चलते हैं सी व्यू की तरफ। यहाँ पे हमने मज़े कर लिए बहुत ज़्यादा, शरह फैसल पे तो अपनी ही मस्ती हो रही हो। तो भाई मेन शरह है पाकिस्तान का, तो चले अभी सी व्यू की तरफ चलते हैं। तो यार हर बंदा कहता है कि कराची कराची है, यार आज वाकई देख लिया कराची कराची है भाई। कराची का मुकाबला ना कोई नहीं कर सकता, यहाँ के लोग, यहाँ के खुशियाँ हर कोई अपने अंदाज से मनाता है यार। फिर हम पहुँचे तीन तलवार पे, तो यहाँ देखें कि कैसे खुशी से ये लोग जा रहे हैं। तो यार अंदाज़ा लगा लेना उनकी खुशी। तो हम पहुँचे तीन तलवार। अभी हम आ चुके हैं सी व्यू निशान पाकिस्तान पे, सामने आपको दिख रहा भी होगा वो झंडा। तो यहाँ पे हम आए हैं मस्ती के लिए, 14 अगस्त का दिन ही है, मैं और यूनस आए हुए हैं। तो यूनस कैसा लग रहा है यार? अब तो सुकून आ रहा है, मौसम बहुत अच्छा हुआ है। पहले तो यार बहुत रश में ही फंसे हुए थे हम, रश में बहुत ज़्यादा फंसे हुए थे कि हमारे कुछ फैन आए हुए हैं, अननोन फैन जिन्हें कहते हैं, आए करते यार। यार हमारे अननोन फैन हैं, हमारे भाई को सब्सक्राइब करो, इनके चैनल पे व्यूज बढ़ाओ और इनके चैनल को थोड़ा जोर से बोलो ना, पता चले पाकिस्तान को। अच्छा हाँ, जोर से लाइक एंड सब्सक्राइब करो। बस ये कह दिया इन्होंने, तो यार दबाओ, लाजमी दबाओ। पे मज़ा ही मज़ा है, फैमिली है, फैमिली पार्क है। तो टिकट पे हम अंदर आए हुए हैं। कराची नॉट कमिंग स्लो भाई, यहाँ का 14 अगस्त में मैंने सोचा था भाई क्वेटा में तो हम जश्न मनाते हैं, सब कुछ ऑन सीन है, लेकिन कराची तो भाई सबसे आगे, लाहौर कुछ नहीं, कराची इज़ द बेस्ट, कराची कराची है भाई। तो यहाँ पे हम बहुत घूम चुके हैं, यहाँ पे इंजॉय भी हमने बहुत किया। तो 14 अगस्त तो यार ख़त्म हो ही नहीं रहा, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो सोचा अभी हम भी चलते हैं आगे सी व्यू की तरफ, अगर वहाँ हुआ तो ठीक, नहीं हुआ फिर हम चलेंगे फ्लैट की तरफ, गुलशन इकबाल। यार भाई मैं व्लॉग बना रहा था तो हमारे कुछ साथी मिले। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। तो यार अब बोल दें तो बोलना भी, 47 YB को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर कमेंट सब कर दें भाई, बहुत प्यार है हमारे। थैंक यू, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। बोल दिया ना इसने, डन, कराची कराची है भाई। तो यार कराची का मुकाबला करने मैं चला था, मैंने सोचा पूरा कराची घूम लूँगा 14 अगस्त में, मुझसे तो एक टुकड़ा भी पूरा नहीं हुआ भाई। तो यार अब हम चलते हैं घर। तो आज के लिए मेरा व्लॉग इतना ही काफ़ी है। तो यार सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें और कमेंट लाजमी करें। तो मिलते हैं कल इंशाल्लाह न्यू वीडियो में, तो अपना ख्याल ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।